हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है एप्पल वॉच सीरीज 5 44 mm। इसका हम लोग ग्लासिंग करेंगे, आपको दिखाऊंगा पूरा वीडियो कैसा कैसा होता है ग्लासिंग इसका। आप देख सकते हो बॉर्डर में इधर टूटा हुआ है, थोड़ा टच चला के भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह टूटा हुआ है, जो बॉर्डर है चारों साइड में टूटा हुआ है। तो आप उसको काम करने के लिए क्या बहुत ही ध्यान से काम करना होता है, और आपको हर एक काम में कौन सा भी काम करोगे ध्यान तो सब में रखना ही पड़ता है। जो कांच के टुकड़ा होता है छोटा छोटा, ये सब कांच के टुकड़ा पहले आपको ब्लेड से निकाल लेना होता है, और काम करने से पहले एक बार आप अच्छे से चेक कर सकते हो टच बराबर काम कर रहे कि नहीं, ताकि काम करने के बाद आपके साथ वो सब तकलीफ ना हो, टच बराबर था कि नहीं था, नहीं तो फिर बाद में आप परेशान होगे काम करते वक्त। इसीलिए आपको सबसे पहले अच्छा से चेक करना है, फिर काम स्टार्ट करना है, धीरे धीरे काम करना है आपको, थोड़ा भी घाई नहीं करना है। काम करने में आप घाई करेंगे तो आपसे काम खराब जरूर होने वाला है, फिर आप रोएंगे बैठ के। बहुत ही आराम आराम से आपको काम करना है, ब्लेड के मदद से आप काम कर सकते हो, और जो छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं वो सब आप ब्लेड से निकाल सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके। जो बॉर्डर में गम पेस्टिंग होता है वो आप थोड़ा हीट करके और लिक्विड के मदद से, ब्लेड के मदद से आप इसको निकाल सकते हो। आप वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको, एक बार वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह काम होता है, और आपको भी अगर काम करना हो तब वीडियो देख के इसमें से काफ़ी सारे चीज़ें आप सीख सकते हो। तो हमारे चैनल पर हर तरह की जो भी ग्लास चेंज होता है, एप्पल वॉच की, आईपैड और आईफोन, सैमसंग, एंड्रॉयड, सारे चीज़ की वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तब पूरा अगर फॉलो करेंगे तो हर दूसरे तीसरे दिन एक नए वीडियो अपलोड होता रहेगा चैनल पे, तो आप देख सकते हो। तो आपके ज़रूरत की चीज़ें भी आप उसमें से देख के सीख सकते हो, और आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो देखना है वो अगर आप बताएंगे कमेंट में तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वो वीडियो अपलोड करने का। तब देख रहे किस तरह हमने निकाल रहा हूँ कनेक्टर को, बहुत ही आराम आराम से निकाला जाता है, उसमें भी आप अगर घाई करेंगे तो कनेक्टर वगैरह कुछ ख़राब होगा। तब किसी भी हल्के नरम चीज़ें लेने का है, ट्यूजर का इस्तेमाल जहाँ तक हो सके ट्यूजर का इस्तेमाल नहीं करना है। ट्यूजर का इस्तेमाल करने पर जो छोटे छोटे कनेक्टर होता है वहाँ पर स्ट्रिप होता है वो सब ख़राब हो सकता है, ताकि ट्यूजर के इस्तेमाल आप ना करें तो ही बेहतर है। और अगर आपको हाथ बैठा हुआ है, आपको आप रेगुलर वॉच के काम वो सब करते हैं बारीक काम, तो आप अपने हिसाब से, आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। बाकी हर जगह ट्यूजर का इस्तेमाल नहीं करना रहता है, जितना आप ट्यूजर का इस्तेमाल ना करेंगे बेहतर है। और किसी भी चीज़, किसी भी काम को करने के लिए आपको उसमें ध्यान बराबर रखना होता है, इधर उधर देखते हुए आप काम करेंगे तो खराब अब से होना ही है। ग्लास को सेपरेट करने के लिए तार हमको जितना हो सके पतला लेने का, तार
जो 0.4 या 0.3 आप यूज़ कर सकते हो, या ज़्यादा मोटा तार अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको उसमें तकलीफ आ सकते हैं। ज़्यादा मोटा होने के कारण टच LCD ख़राब हो सकते हैं। जहाँ तक आप कोशिश करो कि पतला से पतला वायर के इस्तेमाल करने का उसमें। और अगर आपको किसी भी चीज़ की समस्या आए काम करने पे, आप उसमें वीडियो में अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो हम बताएंगे आपको क्या चीज़ की तकलीफ़ है। तो आप कमेंट में जो भी चीज़ें पूछेंगे हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे आपको, ताकि आप अच्छे से काम कर पाओ अगर आप काम करते हो। अगर आपको चीज़ें वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहे तो आप अगर मुंबई से हो तो आप आके हमारे शॉप पे विज़िट कर सकते हो, और आपके पास भी कुछ काम रहेगा आप काम लेकर आओ, आपका काम भी करके देंगे, आपको लाइव दिखाएंगे किस तरह काम होता है। आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, एप्पल वॉच की, आईपैड की, सैमसंग एज ग्लास, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, सारे एज ग्लास के ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। आपको किसी भी तरह ट्रेनिंग की ज़रूरत हो तो भी आप आ सकते हैं। अगर आपके शॉप है, आप कहीं और से काम कराता है, आपको काम में फिनिशिंग प्रॉपर नहीं मिल रहे, तो आप हमारे यहाँ से काम करा के ट्राई कर सकते हैं। आपको बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ काम करके मिलेगा रिजनेबल प्राइस में। आपको काम कभी भी तकलीफ़ नहीं आएगी, बिल्कुल भी फिनिशिंग में काम करके मिलेगा। और आप एक बार काम देख के ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कुछ किसी भी चीज़ का डाउट हो तो आप कॉन्टेक्ट नंबर दिया है वीडियो के नीचे, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको व्हाट्सअप में जरिए आप कुछ पूछ सकते हो। आपको किसी भी चीज़ में तकलीफ़ आते हैं तो आप पूछ सकते हो, हम उसमें बताएंगे। अगर आप आउट ऑफ मुंबई से हो तो आप वीडियो देख के काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत रही कि आप आ सकते हो। एज ग्लास चेंज का जो ट्रेनिंग है वो एक हफ्ते में आप प्रॉपर काम सीख सकते हो। एज की एक हफ्ते का कोर्स रहता है, आप एक हफ्ते में प्रॉपर काम आप सीख सकते हो। अगर आपको नॉर्मल के काम आपको आता हो, जैसा कि TFT LCDs है, AMOLED LCDs है, वो सब के अगर आपको काम आता हो तो एज के काम अगर आपको सीखना हो तो मुश्किल से एक हफ्ते का टाइम लगेगा। एक हफ्ते में आप पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हो। एक हफ्ते में आपको सारे iPad, Apple Watch और सारे चीज़ें, TFT वगैरह सारे चीज़ अगर आपको सीखनी हो तो उसमें 15 से 20 दिन का भी टाइम जा सकता है। अगर आप आउट ऑफ मुंबई से हो तो आपके लिए रहना खाने का इंतज़ाम भी कर दिया जाता है यहाँ पर, तो आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हो। आपको किसी भी चीज़ ना समझ में आए तब देख रहे किस तरह हम इसको लगाए हैं, बिल्कुल अच्छे से अलाइनमेंट लिए हैं। अभी इसको हम पंचिंग करेंगे। पंचिंग करने पे आपको ख़ास ध्यान रखना है, जो पंचिंग पैड है वो बहुत ही मोटा नहीं लेना है। पंचिंग पैड जो है वो हल्का सॉफ्ट लेना है किसी भी तरह से, और सॉफ्ट अगर रहेगा तो पंचिंग अच्छे से अच्छा पंचिंग होगा। अब देखेंगे बिल्कुल भी बबल नहीं रहेगी, जो हमने पंचिंग किया है बहुत ही हल्का फुल्का बबल रहेगा, जो कि मुश्किल से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट भी आप बबल में रखेंगे तो आपका वो फ्री हो जाएगा 2 से 3 मिनट में। तो हमने 2 मिनट में बबल रिमूवर से निकाले हैं, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी 0% वेप, 0% बबल, बिल्कुल भी बिना बबल के है और बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आए हैं। तो LCD बहुत ही अच्छा से बना है, अच्छा फिनिशिंग में। एक बार आप देख सकते हैं, चालू करके आपको दिखाएंगे, एक बार चालू करके आपको दिखा देते हैं किस तरह काम हुआ है। टच एक बार आपको चेक करा के दिखाएंगे, आप बने रहे वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट आपको ज़रूर कर देना है। अगर आप लाइक नहीं करना चाहते हैं तो ठेंगा का बटन ही दबा देना है आपको। आपको कंजूसी तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हम वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, हम लोग आपके लिए
बना रहे वीडियो ताकि आप भी थोड़ा बहुत चीज़ें देख पाओ इसमें से। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो काफ़ी सारे चीज़ें आप समझ भी पाएंगे। तो आपको लाइक कमेंट ज़रूर कर देना है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तब देख रहे हैं किस तरह हमने बनाए वॉच को, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आए हैं और 0% वेव के साथ काम अच्छे से हुआ है। अगर आपको काम कराना हो किसी भी तरह काम, तो आप कुरियर के थ्रू भी भेज सकते हैं। और कुरियर के अगर आप काम भेजेंगे तो सेम डे हम लोग काम करके आपको फिर कुरियर लगाएंगे। अगर आप मुंबई से हो तो आप शॉप पे आके विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए, ताकि उसमें जो भी ग्लास चेंज का काम है, हर तरह के नया नया वीडियो इसमें अपलोड होता रहेगा। आपको भी वीडियो देखने पे कुछ ना कुछ आपको भी ज़रूर फ़ायदा मिलता रहेगा। और आशा करता हूँ आपको वीडियो देख के कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने मिला होगा। आप देख सकते हैं किस तरह फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आया है। आप फिनिशिंग देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छा से फिनिशिंग आया है।